हेलो एवरीवन, आज फिर से एक मैं केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए केक कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है केक। ये केक मैंने टाइगर बिस्कुट से बनाया है और इसे आप ड्राई फ्रूट केक भी कह सकते हैं। मैंने 2 10-10 रुपीज़ वाले टाइगर बिस्किट लिए हैं और जो आज हम केक बनाएंगे टाइगर बिस्कुट से। इन दोनों पैकेट को मैं एक मिक्सचर जार लेंगे और मिक्सचर जार में इसके 2 2 टुकड़े ऐड करके आप इनका एक बारीक सा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए 2 2 टुकड़े इसमें डालकर और इसको हम एक बारीक सा पाउडर बना लेंगे। जो ये टाइगर बिस्कुट होती है, ये इसके अंदर जो चॉकलेट मिली होती है, जो चॉकलेट क्रंच होता है, और जो जब इसका केक हम खाते हैं, केक बनता है तो बहुत ही टेस्टी केक बनता है। एक बार आप इस टाइगर बिस्कुट से केक ज़रूर बनाकर देखिए। और ये देखिए मैंने इसका बारीक पाउडर बना लिया है। अब इस पाउडर को एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और इसको हम एक बाउल में शिफ्ट करने के बाद गैस के फ्लेम में हम सबसे पहले कुकर रखेंगे और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम करके इसको हम थोड़ी देर के लिए प्री हीट करेंगे। इसको 5 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे और तब तक हम अगली तैयारी कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर का मैंने दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। दूध हमें बिल्कुल एकदम से नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है, ताकि अगर हम एकदम से दूध डाल देंगे तो हमारा जो बैटर है बिल्कुल पतला हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमें एक स्मूथ बैटर तैयार करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। और 1 स्पून इसमें अगर इस रिफाइंड ऑयल इसमें मैंने ऐड किया है, आप चाहे तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए लगातार चलाते हुए एक मैंने स्मूथ बैटर तैयार कर लिया है। और बैटर हमें इस तरह का तैयार करना है कि जो मेरे गिराने पर ये रिबन की कंसिस्टेंसी में आ जाए। ये देखिए बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है और देखो मेरे गिराने पर रिबन की कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब एक केक टिन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके और थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड करके इसको फैला लेंगे। ब्रश से आप फैला लीजिए। अब एक पेपर ले लेंगे, या तो बटर पेपर ले लेंगे और या फिर कोई भी सिंपल पेपर को मैंने इस तरह से गोल कट कर लिया है, कोई भी पेपर इसमें लगाकर और वापस से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। और ये देखिए बैटर भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें हम इनो ऐड करके और थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करके और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए इनो एक्टिवेट होने लग गया है और सिर्फ 2 मिनट ही हम इसको चलाना है, ज़्यादा देर नहीं चलाना है। इसके बाद हम इसको तुरंत ही केक टिन में डाल देंगे। ये देखिए इनो एक्टिवेट होने लग गया है और अब मैंने इसको केक टिन में डाल दिया है सारे बैटर को। अब क्या करेंगे, हाथ से थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि जो इसमें बबल्स हैं वो सारे इसमें निकल जाएं। ये देखिए इस तरह। और कुकर में इसको डाल देंगे, कुकर में भी धुआं निकलना चालू हो गया है। और 30 से 35 मिनट हम इसको बेक करेंगे। इसके बीच हमें बिल्कुल भी नहीं खोलना है, गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको बेक करना है। और 30 से 35 मिनट के बाद ये देखिए मैंने टूथपिक से चेक कर लिया है, बिल्कुल क्लीन है हमारी टूथपिक और ये बेक हो चुका है। 10 मिनट इसको ठंडा होने देंगे। अब 10 मिनट के बाद केक ठंडा हो गया है, इसको हम साइड से इस तरह
चाकू से इस तरह साइड से हम निकाल लेंगे। और ये केक देखिए कितनी जल्दी और कितनी इजीली घर पर ही बनकर रेडी हो गया है। और ये देखिए इसका हम ऊपर से जो पेपर था वो हटा लेंगे। और आपको मैं बताती हूँ ये केक कितना ही स्पॉन्जी बना है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी केक बना है। मैंने सिर्फ 2 टाइगर बिस्कुट से बनाया है। अगर आप चाहें तो 3 या 4 बिस्किट से भी इस तरह का केक बना सकते हैं। आप इसका स्पॉन्ज देखकर ये देखिए कितना बढ़िया केक बनकर रेडी हुआ है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, इस तरह भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं केक खाना। लेकिन मैं थोड़े काजू और बादाम से इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो जब केक बेक हो तब भी उसके ऊपर आप काजू और बादाम डाल सकते हैं। बेक करने से पहले भी आप उसको काजू बादाम केक टिन में जा डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर काजू और बादाम से गार्निश कर रही हूँ। और ये देखिए कितना बढ़िया और कितना सुंदर जितना लग रहा है दिखने में, यकीन मानिए खाने में भी ये उतना ही टेस्टी केक है। ये देखिए केक अब बनकर रेडी हो गया है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप इस तरह का केक ज़रूर बनाकर देखिए, आप सबको बहुत पसंद आएगा। मैं आपको कट करके बता रही हूँ। ये देखिए ये देखिए कितना जालीदार केक बना है।